वेलकम टू माई चैनल अनुपमा माता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ मनी, सक्सेस, अबंडेंस, वेल्थ, वट एवर द नेम यू वॉन्ट टू गिव। आज हम देखने वाले हैं तीन ऐसे तरीके जिनके कारण हम मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वट एवर वे ऑफ मैनिफेस्टेशन वी यूज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी रिमेन इन हाई वाइब्रेशन। बिना हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज के कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, बी इट बी मनी, बी इट बी हेल्थ, बी इट बी रिलेशनशिप्स। हर दिन आपको हाई वाइब्रेशन जोन में रहना होगा और उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आई हैव पोस्टेड फ्यू शॉर्ट वीडियोज़, 15-15 सेकेंड के वीडियोज़ मैंने पोस्ट किए हैं, उसमें से एक का लिंक ऊपर आ रहा है अभी आपके सामने, आप उस पर जाइए। एक सीरीज़ है पूरी, 16 टिप्स हैं उसके अंदर, जिससे आप अपनी वाइब्रेशंस बढ़ा सकते हैं। हाउ टू रेज योर वाइब्रेशंस इन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। सो नाउ लेट्स सी द थ्री वेज टू इनवाइट मनी, वेल्थ, सक्सेस, अबंडेंस इन आवर लाइफ। फर्स्ट, बी ओपन एंड रिसेप्टिव। जी हाँ दोस्तों, आप पैसे को वेलकम करने के लिए रेडी हैं, रिसीव करने के लिए रेडी हैं, ये आपको यूनिवर्स को बताना होगा, जताना होगा। नेवर एवर टॉक नेगेटिव कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, अभी ज़्यादा खर्चा मत करो, ये चीज़ बहुत महंगी है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स अगर आप बोल रहे हैं तो स्टॉप इट, स्टॉप राइट अवे। क्योंकि आप इस तरीके से बोल बोल के अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे हो कि आपके जीवन में पैसों का अभाव है। वही चीज़ें बार बार दोहराने से सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और वो फिर उन्हीं चीज़ों को और अट्रैक्ट करने में लग जाता है। सो अभाव अट्रैक्ट करेगा अभाव को। खर्च, डेट, अभाव, इन शब्दों को हटाकर इन्वेस्ट और अबंडेंस को अपने डिक्शनरी में ले आइए। सेकेंड, यदि पड़ोसी ने एक कार ले ली, या आपके जानकार ने कोई एक अच्छा घर ले लिया, या आपके फ्रेंड अपनी फैमिली को एक फॉरेन ट्रिप पे लेके गए और उसकी पिक्चर्स उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? वो भी बहुत मायने रखता है कि आप पैसों को इनवाइट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ओपन हैं, रिसेप्टिव हैं, या आप पैसों की निंदा कर रहे हैं। अगर एक फॉरेन हॉलिडे या एक नई कार या किसी ने अपना घर लिया, उस घर की तस्वीरें देख के आपके मुंह से ये निकला, हाँ वो तो बहुत नोट छाप रहा है, या लॉटरी लग गई है क्या इसकी पता नहीं, इस तरीके की यदि शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब आप पैसों की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में पैसों की बदौलत आई थी। सो आप घर की, गाड़ी की, या उस हॉलीडे डेस्टिनेशन की, या उस हैप्पीनेस की निंदा नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअल में पैसों की निंदा कर रहे हैं। और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा रहे हैं कि मैं मनी की निंदा कर रहा हूँ। निंदा विल अट्रैक्ट, यू नो द आंसर। सो निंदा करना बिल्कुल बंद कीजिए, इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स पास करना बिल्कुल बंद कीजिए। दूसरे की खुशी में खुश होना सीखिए, फिर देखिए खुशी कैसे खुशी को अट्रैक्ट करेगी। थर्ड, बी ग्रेटफुल। आपके पास अभी अभाव भी है तो भी कुछ तो है, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, जितना भी आपके पास में है, उसके लिए कृतज्ञता जब तक आप नहीं महसूस करेंगे, तब तक पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। आ गया तो कभी टिकेगा नहीं। सो जो भी आपके पास में है, इवन इफ इट इज़ वेरी लिटिल, पे योर ग्रैटिट्यूड, बी इन अ ग्रेटफुलनेस जोन। हूएवर हैज़ ग्रैटिट्यूड फॉर मनी विल बी गिवन मोर, एंड ही और शी विल हैव एन अबंडेंस। नेवर फॉरगेट दैट कोट बाय रोंडा बर्न इन हर बुक द मैजिक। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके कुछ काम आए, आप बहुत बहुत बड़े मैजिक्स क्रिएट करें अपने मनी एरिया में, वेल्थ एरिया में, अबंडेंस लेके आए, यही मेरी दुआ है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस ऑन एनी ऑफ द न्यू अपलोड्स। इफ़ यू वॉन्ट मी टू अपलोड वीडियो इन इंग्लिश, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग। Keep commenting, keep following.
थैंक यू।